हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अदर वीडियो। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी 12x12। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये मूवी फोटोग्राफी के ऊपर है, बट इतनी भी सिंपल नहीं है इसकी कहानी और जो स्टोरी है। पहले तो मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ, बट उससे पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूँ कि एक आर्ट मूवी है, ये कमर्शियल सिनेमा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको मार धड़ाक और ये सब डिशों और बैकग्राउंड म्यूजिक, प्यार मोहब्बत अगर आपको पसंद है तो आपकी टाइप की मूवी नहीं है। मैं बता दूँ किस टाइप की मूवी है। जैसे आपने पंचायत को थोड़ा, मतलब अगर उसमें से कॉमेडी हटा दें, आपने मसान मूवी देखी होगी, तो आप अगर आपको वो सिनेमा पसंद है तो आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए फटाफट इस मूवी का रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले मूवी की स्टोरी के बारे में जैसा मैंने कहा कि बात करते हैं, तो ये मूवी की स्टोरी एक डेथ फोटोग्राफर के ऊपर है, मतलब जो मरने के बाद, जैसा कि अगर आपके फैमिली में भी कोई मरा होगा, मेरी फैमिली में मरा है, तो वहाँ पर जाके आप देखते हो कि जब शमशान घाट पर हम जाते हैं तो वहाँ पर फ़ोटो खींची जाती है। तो ये मूवी का जो कहते हैं ना कि एक्टर है, जो मेन लीड है, ये कहानी उसी के अराउंड घूमती है। मतलब वो भी एक डेथ फोटोग्राफर होता है, मतलब मरे वे लोगों की फोटो खींचता है, आग जलाने से पहले जो उनका अग्नि क्रिया होती है उससे पहले फोटो खींची जाती है, तो वही काम करता है। काफ़ी ज़्यादा एग्जैगरेट कर दिया मैंने। तो मतलब दिखाया जाता है कि कैसे स्ट्रगल आ जाता है उसके काम में, मतलब जैसे अब फ़ोन वगैरह आ गए हैं तो अब लोग उतनी फोटो वोटो खिंचवाते नहीं है, तो उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है और आगे उसके लाइफ में क्या क्या होता है, इसी के ऊपर मूवी बनी है। उसमें फैमिली का भी एंगल दिखाया गया है। तो मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो ये आर्ट टाइप की मूवी की स्टोरी ऐसी हो सकती है, मतलब काफ़ी प्लेन चल रही है मूवी है। मतलब आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा कि कहीं क्लाइमैक्स आ रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा। अगर आप वो एक्सपेक्ट करो तो आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा निराशा होगी वो देखकर। बट अगर आप एक रियल सिनेमा लवर हो, आपको अगर आर्ट मूवीज पसंद है, तो ये मूवी आपके लिए एक मास्टरपीस हो सकती है, क्योंकि मूवीज में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो ये इस मूवी की स्टोरी है। बात करते हैं एक्टिंग पर। एक्टिंग की बात करें तो जो मेन सारे कैरेक्टर्स हैं, मतलब बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। मतलब आपको मूवी देख के ये लगेगा इन्हें कि एक्टिंग चल रही, मूवी देख के आपको ये लगेगा कि मतलब कि अगर आप पूर्वांचल साइड यूपी में रहते हो तो आपको लगा कि आपके घर की कहानी ही चल रही है, मतलब एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी है। तो आपको बिल्कुल घर भी वैसे ही लगेगा, सबको, सबकी एक्टिंग, सब मतलब उनका मेकअप वगैरह सब ऐसे लगेगा कि नॉर्मल है। मतलब एक्टिंग तो लगेगी, काफ़ी नेचुरल परफॉर्मेंस है सबकी। तो एक्टिंग में तो भाई सबको मैं कहूँगा कि सबने अव्वल दर्जे का काम करा, जितने भी एक्टर्स, में कोई पॉपुलर नाम नहीं है जैसे कि शाहरुख खान वगैरह, बट आप जिनकी भी एक्टिंग देखोगे इस मूवी में उनको आप सब यही देख के बोलोगे कि मतलब आप देख के यही बोलोगे कि मतलब एक्टिंग सबने अच्छी करी है। अब मूवी की बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन तो भाई मतलब अगर कहा जाए कि सबसे बेस्ट पार्ट इस मूवी का डायरेक्शन ही था। मतलब आपको एक छोटी 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 चीज़ पे बारीकी दिखेगी आपको। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम यूपी साइड में अगर आप रहते हो तो आप जो पान खाते हो पत्थर में लपेट के दिया जाता है, इस मूवी में वो चीज़ भी मतलब उतनी बारीकी से दिखाया गई है वो चीज़। मतलब समझ लो कि आप डायरेक्शन किस लेवल का होगा, मतलब डायरेक्शन बहुत ही अच्छा था इस मूवी का। छोटे छोटे मतलब चीज़ें पे काफ़ी काम करा गया इस मूवी में, तो डायरेक्शन भी बहुत औसम था। और मतलब ओवरऑल इस मूवी की बात करें तो मैंने लोगों से भी पूछा जो थिएटर से मूवी देख के आए थे। हालांकि ये मूवी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये मूवी 2019 में रिलीज़ होने वाली थी, बट ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस ये मूवी रिलीज़ नहीं हो पाई उस टाइम। बट मुझे भी ये चीज़ मतलब वहाँ जाके पता चली थी, मूवी मैं जब मतलब लोगों से बात करा तो उन्होंने बताई ये चीज़। बट मूवी भी आप देखोगे तो ये उसी टाइम की है, 2019 के टाइम की है, तो मतलब आपको फील आएगा 2019 में। और ये मूवी वाराणसी के ऊपर है, मैं आपको बताना भूल गया, ये वाराणसी के अराउंड है। तो अगर आपको पंचायत और मतलब अगर ये जो अभी लापता लेडीज आई थी, अगर आपको उसमें नेचुरल जो चीज़ें दिखाई गई थी जैसे गांव वगैरह की, अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगी तो आपको ये मूवी की जो सीन्स वगैरह हैं वो भी आपको अच्छे लगेंगे। मूवी की स्टोरी मतलब स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, अगर आपको मतलब आर्ट फिल्म देखने का शौक नहीं है तो आपको काफ़ी मूवी स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगी, बट आप धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जागेगा एक्टिंग देख के, परफॉर्मेंस देख के इस मूवी में। तो अब बात करते हैं इस मूवी के मतलब वर्डिट की, तो मैं इस मूवी को 3.5 स्टार्स देना चाहूँगा आउट ऑफ 5। मतलब आर्ट मूवी के हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो मूवी बहुत बढ़िया है, पर अगर आपको कमर्शियल सिनेमा पसंद है तो आपको थोड़ी मूवी बोरिंग लगेगी और थोड़ा लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच करा गया है मूवी को। तो ये मेरा रिव्यू था मूवी का, और मैंने इस मूवी से मतलब जब मूवी देखकर मैं बाहर निकला तो मैंने लोगों से भी उनका एक्सपीरियंस पूछा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था इस मूवी को देखकर, तो उनका एक्सपीरियंस भी आप देख सकते हैं मतलब आने वाले क्लिप्स में। हाँ, तो गाइस मैं पिक्चर देखकर आ रहा हूँ 12x12, और काफ़ी अच्छी पिक्चर है फोटोग्राफर की लाइफ पर, और काफ़ी कुछ अच्छा लगा इसमें। गंगा का घाट है, काशी, बनारस से पृष्ठभूमि, चैप्टर बाई चैप्टर पिक्चर में हर एक दृश्य को दिखाया गया है, और काफ़ी अच्छी है, बारीकी है। हालांकि कोई म्यूजिक नहीं है, कोई साउंड नहीं है, लेकिन ऐसी पिक्चरें ही फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाती हैं और काफ़ी आगे तक जाती हैं, और जो पृष्ठभूमि है उसको दिखाती है, जो हमारा कल्चर है, संस्कृति है, और अंतिम समय से लेकर जो घटनाएँ घटती हैं वो सब इस पिक्चर में दिखाया गया। तो मैं इसको 5 में से 3 स्टार देना चाहूँगा। ये मूवी मतलब डिफरेंट हटके थी,
मतलब फोटोग्राफर्स की लाइफ में थी बेसिकली, कि क्या नेचुरल मतलब क्या होना चाहिए लाइफ में, क्या क्या नहीं, हमें जो मतलब जो होता है ना अनटच पार्ट, वो भी हम सब ने देखा. और अच्छा था कि उनकी जो कि बेसिकली वो क्या क्या करते हैं लाइफ में, कैसे होना चाहिए, हम तो बस ये देखते हैं ना उनका वर्क देखते हैं. तो हमने आज उनकी लाइफ में देखी रियल में क्या थी क्या नहीं बेसिकली. मतलब पूर्वांचल की फीलिंग है आपको मूवी देख के? हाँ, बहुत बढ़िया. और जो गंगा घाट में जहाँ से वो कैप्चर करता है उनका मतलब एक आइडियाज़ होते हैं ना, वो सब भी पता चले कि कहाँ लेवल तक वो जा सकते हैं. तो आप कितने स्टार देंगे इस मूवी को? 3. ओह थैंक यू, वेलकम. सो मूवी देखिए 12x12. फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी एक आर्ट मूवी है, तो इसे बिल्कुल भी कमर्शियल मूवी समझकर जो लोग जाएंगे उनको थोड़ा सा निराश होना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट आउट एंड आउट आर्ट मूवी. जो काफ़ी टाइम से आर्ट मूवी वैसे आई नहीं है, लास्ट मेरे ख्याल से मंटो आई थी, मंटो जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे. खैर, उसके बाद अगर इस फिल्म की बात करें तो एक्टिंग अच्छी है. जो लोकेशंस पे जिस पे शूट हुई है मूवी, मणिकर्णिका घाट बनारस की शूटिंग, एक नंबर लगा है वहाँ पे मुझे डायरेक्शन. एक्टिंग में जो फीमेल आर्टिस्ट हैं, भूमिका दुबे हो गई या गीतिका हो गई, उनका काम टॉप नॉच है. और ज्ञानेंद्र तो अलग ही रहे, पूरी फिल्म में है वो. तो वो एज अ फोटोग्राफर उन्होंने भाई अपनी रूह डाल दी है कैरेक्टर में, एंड ही परफॉर्म द कैरेक्टर वेरी वेल. एक डेथ फोटोग्राफर के जो जीवन में जो जो घटता होगा, जो पर्सनल लाइफ में वो जिस चीज़ से गुजरता होगा, वो गरीबी, वो मुफलिसी जिससे वो तंग आ चुका होगा, वो एक्सप्रेशन है कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त दिया है. एक पति का किरदार, एक भाई का किरदार. सो हैट्स ऑफ टू द ज्ञानेंद्र, एंड आई थिंक दिस मूवी शुड गेट मोर एंड मोर अवार्ड्स, बिकॉज कुछ फिल्में जो होती हैं वो तालियों के लिए नहीं, अवार्ड्स के लिए बनाई जाती हैं, एंड ये उनमें से एक फिल्म है. थैंक यू सो मच. कितने स्टार दोगे आप? देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू अगर अलग अलग हैं, मैं एज आर्ट मूवी लवर वैसे मैं हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दे सकता हूँ. ओके, थैंक यू सो मच. तो ये था लोगों का एक्सपीरियंस इस मूवी को देख के. सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. सो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. ऐसे मूवी के रिव्यूज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. तो आप भी अपना प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, और मतलब कहते हैं ना कि सिनेमा देखो और अच्छा सिनेमा देखो. बाय बाय.